हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चलिए पढ़ते हैं। द क्लोथ्स विच यू वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। कपड़े जो हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। फैब्रिक्स फाइबर से बनते हैं और फाइबर्स हमें नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हो। फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी काम आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। एक लिस्ट बनाओ जिसमें कॉमन आर्टिकल्स लिखो जो फाइबर्स से बनते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इन टू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। मेक एंटायर इन टेबल नंबर 3.1। उनको सेपरेट करने की कोशिश करो। एक रो बनाओ नेचुरल फाइबर की और एक रो बनाओ आर्टिफिशियल फाइबर की। यहाँ पे टेबल 3.1 है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो इंटरेस्ट है इस एक्टिविटी में वो कर सकता है। यहाँ पे आपको नंबर की सीरीज लिखनी है, यहाँ पे आपको आर्टिकल का नेम लिखना है और यहाँ पे आपको फाइबर का टाइप बताना है, वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। आशा करता हूँ आप सभी ने टेबल बना ली होगी। दोस्तों, टेबल बनाने के बाद ही अपने ऑब्जर्वेशंस लिखना। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। आपने क्यों कुछ आर्टिकल्स को आर्टिफिशियल लेबल किया। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आपने अपनी प्रीवियस पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इस वजह से सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आपको एक नेकलेस का यूनिफॉर्म पैटर्न ध्यान होगा। नेकलेस में ये थ्रेड होती है, इसके अंदर बीड्स होते हैं छोटे 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 छोटे, फिर बाद में बनके नेकलेस बनता है। और ट्राई टू जॉइन नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b। या फिर तो आप ऐसा कर लीजिए, थ्रेड बना लीजिए, उसके अंदर छोटे 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 बीड्स बना के एक नेकलेस टाइप का कुछ बना लीजिए, या फिर आप पेपर क्लिप्स को ज्वाइन कर करके बना लीजिए। अब ये पूछते हैं क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है। दोस्तों, इसका आंसर है नो, क्योंकि देख लीजिए आप, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसमें थ्रेड है ही नहीं, और इसमें ये छोटे छोटे बनके पूरा बड़ा नेकलेस बनता है, और इसमें ऐसे बड़े बड़े साइज़ के हैं। ये देख लीजिए, इनकी साइज़ बहुत बड़ी है उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है, जैसे नेकलेस की चेन है वैसे ही सिंथेटिक फाइबर एक चेन है। इसमें स्मॉल बीड्स है, उसमें केमिकल सब्सटेंस है, पर्टिकुलर एक स्मॉल यूनिट पर केमिकल सब्सटेंस है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। हर एक स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स मिल जाती है फॉर्म करने के एक लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। द पॉलीवर्ड द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट यूनिट। पॉलीमर दो शब्दों के मिलन से बना है, दो ग्रीक शब्दों से। पहला है पॉली, जिसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा, मैनी, और मर का मतलब है पार्ट या फिर एक यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। एक पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट से बना होगा। पॉलीमर ऑकर्स इन नेचर। पॉलीमर नेचर में ऑकर होता है, जैसे कि कॉटन, कॉटन एक पॉलीमर।
कॉटन नेचर में ऑकर होता है। कॉटन में पॉलीमर होता है सेल्युलोस। सेल्युलोस पॉलीमर में, सेल्युलोस एक पॉलीमर है जो कॉटन में होता है। अब बात आती है सेल्युलोस कैसे बनते हैं। सेल्युलोस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्युलोस ग्लूकोज यूनिट्स से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पहला सिंथेटिक फाइबर्स है रेयॉन। चलिए पढ़ते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट इन एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने अपनी 7th क्लास में पढ़ा होगा कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है, हमें मिलता है सिल्क वर्म से। ये चीज डिस्कवर हुई थी चाइना में, लेकिन चीन वालों ने इनको एक सीक्रेट रखा था बहुत ज़्यादा समय के लिए। उन्होंने किसी भी कंट्री को नहीं बताया था कि सिल्क फाइबर सिल्क फॉर्म से मिलता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। फैब्रिक सिल्क फाइबर से जो हमें मिलता है वो बहुत कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। इसका टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल होता है। अटैम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। इसके अटैम्प्ट बने हैं सिल्क को बनाने के लिए आर्टिफिशियली। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। 19th सेंचुरी के एंड में हमारे साइंटिस्ट सक्सेसफुल होते एक मिशन में। वो मिशन था एक फाइबर के जैसा कोई सिमिलरिटी, मतलब कोई एक फाइबर के जैसी ही कोई चीज़ ढूंढनी जो फाइबर के उसमें फाइबर की जैसी वो हो और सिल्क टू दैट ऑफ सिल्क। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। हमें एक ऐसा फाइबर मिला जो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये फाइबर रेयॉन कहलाता है या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प। रेयॉन हमें एक नेचुरल सोर्स से मिला है जिसका नाम है वुड पल्प। येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। ये मैन मेड फाइबर ही कहलाएगा क्योंकि भले ही ये वुड पल्प एक नेचुरल सोर्स है, ये नेचुरल सोर्स से बना है, लेकिन हमने इसकी खोज करी है, हमने इसको केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प को हमने केमिकल ट्रीटमेंट दिया, इसलिए ये एक मैन मेड फाइबर कहलाएगा, सिंथेटिक फाइबर कहलाएगा। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये सिल्क से चीपर होता है और वूवन हो सकता है सिल्क फाइबर्स के जैसे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। ये वाइड हो सकता है, डाइड हो सकता है कलर्स की वेराइटी से, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन कॉटन से मिक्स होता है बेड शीट बनाने के लिए या फिर वूल से मिक्स होता है कारपेट बनाने के लिए। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो रेयॉन से बनते हैं। अब हम दूसरा सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन एक मैनमेड फाइबर है या फिर आप कह सकते हैं नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। 1931 में ये बिना किसी रॉ मटेरियल के यूज से बना है, ना तो प्लांट के रॉ मटेरियल से या ना तो एनिमल के रॉ मटेरियल से। रेयॉन वुड पल्प से बना है। वुड पल्प एक नेचुरल सोर्स है, वो प्लांट का रॉ मटेरियल है, पर ये ना तो प्लांट के रॉ मटेरियल से बना है ना ही एनिमल के रॉ मटेरियल से बना है। ये बना है कोल से, वाटर से और एयर से। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नायलॉन किससे बना है, रेयॉन किससे बना है, वुड पल्प से जो एक नेचुरल सोर्स है, प्लांट का रॉ मटेरियल है, और नायलॉन बना है कोल, वाटर और एयर से। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट वेट है। इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश। ये लश्चरस है और इसको जब भी हम वॉश करते हैं हमें आसानी होती है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसी वजह से ये आजकल पॉपुलर बन चुका है क्लोथ्स बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स एटसेट्रा। हम आर्टिकल्स के बहुत, मतलब हम नायलॉन के बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखिए ये सॉक्स है, ये सॉक है, ये रोप है, ये टूथब्रश है, ये कर्टेन है, ये देखिए ये कर्टेन है, ये हमारे बूजो भाई है, ये एनसीईआरटी की हर बुक में आते हैं, एनसीईआरटी की साइंस की बुक में आते हैं।
अब हमारे बूजो भाई, पहली मैडम भी आती है, बूजो भाई और पहली मैडम जब मिलेगी तब आपको बता दूंगा। इस नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। हमारे बूजो भाई ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं लोग, ये पूछ रहे हैं कि नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम नायलॉन के पैराशूट बना सकते हैं और नायलॉन की रोप्स बना सकते हैं जिससे हम रॉक को क्लाइंब कर सकें। चलिए पढ़ते हैं। नायलॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। हमारे बूजो जी के क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है yes। हमारे बूजो जी का आंसर हमें मिला है yes। नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसके नायलॉन के पैराशूट्स बना सकते हैं और रोप बना सकते हैं जिससे हम रॉक को क्लाइंब कर सकें। ये देखिए, ये कोई पर्सन है जो नायलॉन के पैराशूट से नीचे लैंड कर रहा है और ये कोई पर्सन है जो नायलॉन की रोप से रॉक को क्लाइंब कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक नायलॉन थ्रेड सच में स्ट्रॉन्गर होती है स्टील वायर से। चलिए पहचानते हैं नायलॉन थ्रेड क्या इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक्टिविटी है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं, मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूँ, कंपलसरी नहीं है, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है और कर सकता है। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको सबसे पहले एक्टिविटी को रीड करना है, टेबल बनानी है, फिर बाद में आपको एक्टिविटी करनी है, फिर सबसे लास्ट में आपकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। चलिए फटाफट पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ये भी पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, अभी टेबल बना लीजिए, फिर इसको पढ़ लेना और फिर एक्टिविटी करना और सबसे लास्ट में ऑब्जर्वेशन लिखना। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको नंबर्स लिखना है, यहाँ पे आपको टाइप लिखना है थ्रेड फाइबर का। पहला दे रखा है इन्हें कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन। पहला है कॉटन, दूसरा है वूल, तीसरा सिल्क और चौथा है नायलॉन। अब यहाँ पे टोटल वेट लिखना है उनकी थ्रेड को ब्रेक करने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी ने टेबल बना ली होगी, अब ये पढ़ लीजिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, ये प्रिकॉशन पढ़ना ज़रूरी है। मतलब जो भी एक्टिविटी कर रहा है ना, जो एक्टिविटी नहीं कर रहा है उसको प्रिकॉशन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको प्रिकॉशन पढ़ना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरा एक चैप्टर एंड हो जाता है मैं 2 दिन की लीव लेता हूँ, मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं डालता हूँ। अब मैं 1 दिन ही वीडियो डालूँगा क्योंकि मुझे कमेंट आई थी कि आप 2 दिन तक ऐसे वीडियो नहीं डालते हो, ऐसा क्यों। अब मैं 1 दिन तक ही लीव लूँगा, 1 दिन की ही लीव लूँगा जब मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।